हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि क्रैश कोर्स अपना चल रहा है और अभी तक अपन ने सरफेस टेंशन कंप्लीट किया हुआ है, आज अपन इलास्टिसिटी कंटिन्यू कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो उसी हिसाब से अपना जो क्रैश कोर्स जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बहुत सारे डाउट्स बच्चे के दिमाग में आ रही होगी। सो डोंट वरी, अपन डाउट सेशन रखने वाले हैं, है ना। और जैसे ही ऐप लॉन्च होगा वहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप डाउट तो पूछ ही सकते हो, उसके साथ साथ आपके आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और लाइव लेक्चर्स भी हम प्लान कर रहे हैं देने के, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई जो MST CET और JEE मेन, इसका अभी लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो चुका है तो उसका डेट कब रहेगा। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा। देखिए अभी क्या है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है 3 मई तक। अब उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि भाई मे बी कुछ कुछ प्लेसेस पे लॉकडाउन वही की वही रहे, जैसे कि अपन देख सकते हैं मुंबई, दिल्ली, उसके बाद इंदौर, मध्य प्रदेश में एक हॉटस्पॉट रीजन्स है कोरोना के, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा। वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे वो लॉकडाउन। तो अब ऐसा तो नहीं कि उस साइड के बच्चों की एग्ज़ाम बाद में लेंगे, आपके पहले लेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो अपने यहाँ। सो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। तो अनटिल एंड अनलेस पूरा इंडिया का लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए तब तक ये एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। तो ये तो मान के चलिए जो 3 मई तक जो लॉकडाउन दिया हुआ है वो तो एक्सटेंड हो सकता है कुछ रीजन्स में, तो उसी हिसाब से जून में भी जा सकता है। अब जून में गया तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड बनाना, सेंटर्स अलोकेट करना, उस हिसाब से सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब तक पूरा लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए, है ना, उसकी श्योरिटी ना आ जाए। तो इसी हिसाब से वो मे बी जून 15 जून तक भी ये बढ़ सकता है ये सब चीज़ें, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये तो 15th of June के पहले तो ये हो ही नहीं वाला। उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, तो एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के बीच में 3-4 दिन का और समय लगेगा, तो उसमें भी 1 वीक चला जाएगा। तो जून के एंडिंग में मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है लेकिन उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है होने की, ठीक है। उसके बाद जुलाई में हो सकती है वो एग्ज़ाम, या फिर जुलाई के एंड तक भी ये एग्ज़ाम जा सकती है। सो डोंट वेट, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, घर बैठे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स को ये चीज़ बताइए, उनको समझाइए ये चीज़ कि एक्सटेंड होने ही वाला है भाई लॉकडाउन। आपके फ्रेंड्स तो यही सोच के चल रहे कि भाई नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करूँ, तो अभी तो टाइम कम है, तो उनको यही बताइए भाई टाइम है आपके पास, आप पढ़ाई अभी भी कर सकते हो, अपने चैनल के साथ अभी वो जुड़ सकते हैं, अभी तक टाइम नहीं गया हुआ है ना। सो चलो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में अपन ने देखा था व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, व्हाट इज शियर मॉडुलस, है ना, ये सब चीजें अपन ने देख ली थी। तो उसके बाद अपन आज देखने वाले हैं हुक्स लॉ। अपन क्या देखने वाले हैं बेटा आज, हुक्स लॉ, ठीक है। तो राइट डाउन हुक्स लॉ। अब हुक ने क्या किया भाई, हुक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो उसने क्या बोला ना, मान लेते मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ, एक वायर है, इसको मैंने 10 न्यूटन फोर्स दे दिया यहाँ पे, है ना, ये वायर है, इसको 10 न्यूटन फोर्स, इसका ये इतना वेट लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का, ठीक, और इसका लेंथ था करीबन 10 मीटर, ठीक है। अब पहले मैंने दे दिया फोर्स और ये हो गया लेंथ, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है, ठीक। अब मैंने फोर्स बढ़ाते गया, तो फोर्स सबसे पहले मैंने, उसके बाद मैंने दिया 20 न्यूटन, तो मुझे पता चला जो लेंथ बढ़ गई वो 12 मीटर हो गई, मान लेते अभी 30 न्यूटन हो गया, फिर लेंथ हो गई 14 मीटर, मतलब जैसे जैसे मैं 10 न्यूटन बढ़ा रहा हूँ तो लेंथ भी मेरी 2 मीटर से बढ़ रही है ना। तो मतलब जो मेरी लेंथ है वो फोर्स के प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, जैसे जैसे लोड में बढ़ा रहा हूँ, लोड बढ़ा रहा हूँ मतलब क्या बढ़ा रहा हूँ, जो मेरा स्ट्रेस था वो क्या था, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया तो मेरा कांस्टेंट ही है लेकिन फोर्स मेरा बढ़ रहा है, फोर्स मेरा बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और जैसे ही स्ट्रेस बढ़ रहा है क्या स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि है ना मेरा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेन जो है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, क्योंकि स्ट्रेन क्या कहता है, स्ट्रेन इज
चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ तो हर फोर्स के साथ तो बढ़ ही रही है। चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, क्या वो बढ़ रही है? हाँ भाई वो तो बढ़ रही है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ये उसने बता दिया। लेकिन उसने और एक इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में बता दी, लास्ट में लगा दी उस सेंटेंस के, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट। दिस लॉ इज वैलिड अंडर व्हाट? इलास्टिक लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हुक्स लॉ। इसी को हम कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है बेटा, कुछ नहीं था हुक्स लॉ में, उसने यही बोल दिया अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ फॉर एनी मटेरियल। ठीक है बेटा, इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं है। ठीक है ओके चलो, और आगे देखते हैं। अब अपन देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना? अभी अपन क्या देखेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब मुझे तो पता है भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कोई भी चीज जब डायरेक्टली, अभी स्ट्रेट लाइन सर ने आपको आपका कंप्लीट हो चुका है मैथ्स में, जब कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है तो स्लोप एक स्ट्रेट लाइन आता है ना। तो जब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कुछ वायर, यहाँ पे मैंने वायर ले लिया, इस पे फोर्स लगा दिया है ना 10 न्यूटन, उसके बाद मैंने 20 न्यूटन, बाद में 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, है ना? और यहाँ पे मैंने स्ट्रेन, तो यहाँ पे क्या किया ना, मैंने स्ट्रेस लिया और यहाँ पे स्ट्रेन लिया। ठीक है, तो मान लेते इसका जो एरिया था वो 1 मीटर स्क्वेयर था। ठीक, तो हर एक का स्ट्रेस कितना रहेगा? यहाँ पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 30 एंड सो ऑन। ठीक है, और स्ट्रेन क्या रहेगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मेरी स्ट्रेन कितनी कितनी चेंज हो रही है, जैसे कि पहले था 10 मीटर, उसके बाद हो गया 12 मीटर, उसके बाद हो गया 14 मीटर, है ना बेटा? तो स्ट्रेन कैसे कैसा चेंज हो रहा है, जो भी है स्ट्रेन भी मेरा क्या हो रहा है, मान लेते हैं पहले स्ट्रेन था 0.01 मीटर, उसके बाद हो गया 0.02 मीटर, उसके बाद हो गया 0.03 मीटर, मान लेते हैं ऐसा, ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक, तो जैसे कि हुक्स ने बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो मुझे ये जो थी प्रोपोर्शनलिटी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसने जब प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो एक साइन दे दिया, यहाँ पे वाई की टर्म आ गई, That y is called as what? Yang's modulus. और जो Yang's modulus रहता है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो खाली एक ही चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज द मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, है ना? तो विच मटेरियल वी आर यूजिंग दैट शोज द Yang's modulus, है ना? तो Yang's modulus सिग्निफाइज क्या करता है, मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी को सिग्निफाई करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Yang's modulus। ठीक है भाई, Yang's modulus मुझे समझ में आ गया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Yang's modulus, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, याद रखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आज थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि लेक्चर भी दौड़ाना है अपने को थोड़ा, है ना? ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इतना तो पता चल गया। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, अभी अगर आपने को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखना है तो क्या करना होगा, तो स्ट्रेस निकाल, मान लेते एक मटेरियल है, इस पे मैंने कुछ स्ट्रेस जनरेट की, है ना, विद इंक्रीजिंग फोर्स, दिस इज F1, तो यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते गया मैं फोर्स, है ना, बढ़ाते बढ़ाते गया, उसी हिसाब से मैंने एरिया के साथ इसको डिवाइड किया, तो क्या आएगी मेरी स्ट्रेस आएगी, है ना, यहाँ पे आ गया मेरा स्ट्रेस, उस स्ट्रेन कहाँ से आएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, डेल एल बाय एल, एल वन, डेल एल टू बाय एल, डेल एल थ्री बाय एल, ऐसा ग्राफ में बनाते गया। अभी तो इलास्टिक लिमिट तक तो अपने को पता है भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो ये आ गया मेरा स्ट्रेस, ये आ गया मेरा स्ट्रेंथ।
तो जैसे इलास्टिक लिमिट रहेगी तो उसमें मुझे पता चल गया भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, स्ट्रेट निकाल दें। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है बचपन से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा सुधारने की। ठीक है, सॉरी फॉर दैट वन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, इतना तो पता चल गया। तो स्ट्रेस जो रहता है अप टू इलास्टिक लिमिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है ना। तो उस पॉइंट को अपन डायरेक्टली इलास्टिक लिमिट पॉइंट नहीं बोल सकते उसको, उसके पहले भी एक पॉइंट आता है, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब एक पॉइंट आता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे, उस पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, मतलब हुक्स लॉ जो है वो वैलिड रहता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है ना, ये जो कर्व है थोड़ा ऐसा चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहां तक भी जब मैं फोर्स रिमूव कर दूं तब भी मेरा जो बॉडी है उसकी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर देता है। लेकिन यहां पे इस यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, लेकिन पॉइंट बी तक मेरा मटेरियल जो है वो ओरिजिनल लेंथ ऑक्यूपाई कर रहा है फोर्स रिमूव करने के बाद। मतलब क्या मैं उसको इलास्टिक लिमिट में है ऐसा बोल सकता हूँ? इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है ना भाई, मेरा जो मटेरियल है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है, मतलब जितना लेंथ था वो फोर्स छोड़ने के बाद फिर से उसी लेंथ पे आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिक लिमिट। लेकिन इलास्टिक लिमिट में क्या यंग्स सॉरी हुक्स लॉ वैलिड रहता है नहीं रहता? इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद क्या होता है ना, लेंथ और बढ़ जाती है और मेरा जो वायर है ना एक मतलब थोड़े फोर्स के साथ एकदम से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मतलब यहाँ तक मान लेते इसके पहले मैंने 10 mm लगाया है ना, उसके बाद मैंने लगाया मान लेते 10 newton पे 2 मीटर बढ़ गया, 20 newton पे 2 मीटर बढ़ गया। तो जैसे ही मैंने थोड़ा बढ़ा दिया 21 newton तो एकदम से मेरा 4 मीटर बढ़ गया लेंथ, मतलब एकदम से बढ़ गया। ठीक है, लेंथ। तो इसके बाद क्या होता है ना, जो मेरा लेंथ है एज कम्पेयर टू फोर्थ एकदम से बढ़ लेता है। तो दिस इज कॉल्ड एज इल्ड पॉइंट, इल्ड रीजन। दिस इज कॉल्ड एज लोअर इल्ड पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज अपर इल्ड पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे निकाल दो। उसके बाद ग्राफ कुछ यहाँ पे आता है, दिस कॉल्ड एज अपर इल्ड पॉइंट। यहाँ पे मैं सी पॉइंट देता हूँ, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। और यहाँ पे है ना कुछ टाइम बाद क्या होता है ना, बॉन्ड्स जो है एकदम मतलब रप्चर्ड हो जाता है, क्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद लेकिन बॉन्ड के बीच में कुछ जो बचे हुए बॉन्ड है उसमें और फोर्स थोड़े देर के लिए बढ़ जाता है यहाँ तक। तो इसीलिए स्ट्रेस अपना बढ़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे इस पॉइंट को अपन कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, and this is called as what, breaking point, breaking point। So this is called as what, stress strain diagram। कुछ है ही नहीं इसमें, फिर से बताता हूँ रुको, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, हुक्स लॉ फॉलो किया पॉइंट ए तक, उस पॉइंट को अपन निकाला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए टू बी क्या हुआ, वहां पे भी मेरा जो लेंथ था वो रिगेन हो रहा था, तो दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। वहां तक मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उस वायर ने मेंटेन की, सो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से थोड़ा फोर्स बढ़ गया तो एकदम से लेंथ बढ़ गई, एकदम से स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड एज, वो कहाँ से शुरू हुआ, दैट इज फ्रॉम लोअर इल्ड पॉइंट अप टू व्हाट, अप टू अपर इल्ड पॉइंट। अपर इल्ड पॉइंट के बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने फोर्स और थोड़ा बढ़ा दिया तो एकदम से क्या हुआ ना, स्ट्रेस जनरेट हुआ, सो दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे ये मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट हो सकती है वायर के बीच में, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस।
उसके बाद आता है ब्रेकिंग पॉइंट, उस वहां पे वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ओके। अब ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, राइट डाउन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ये हमेशा याद रखना, हर मटेरियल की जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिफरेंट रहती है क्योंकि यंग्स मॉडुलस डिफरेंट रहता है, ठीक है। और जो यंग्स मॉडुलस है इट इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, क्यों, क्योंकि स्लोप क्या रहता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, है ना, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया स्ट्रेस, x कोऑर्डिनेट हो गया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड एज द स्लोप, द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव्स यंग्स मॉडुलस, है ना। यहां पे और लिख सकते हैं अपन स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गिव्स व्हाट, यंग्स मॉडुलस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो अपन ने आज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लिए, अब अपन आगे देखने वाले हैं भाई एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, उसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, उसकी डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, अगर किसी को लगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, है ना, उसकी लेकिन उसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, मत उसमें से खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो उसमें टाइम मत वेस्ट करो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर इज गिवन बाय क्या होता है, अब एनर्जी स्टोर्ड क्यों होती है ये देखते हैं अपन। अब मान लेते हैं कोई वायर है ना, यहाँ पे कोई वायर है, इसको यहाँ पे रिजिडली है, यहाँ पे फ्री एंड है, यहाँ पे मैंने कुछ वेट लगा दिया, वेट लगा दिया तो इसको कुछ खींचेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं, तो लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगी, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, है ना, तो वो जो यहां से लेके यहां तक जो मैंने फोर्स लगाया उसके वजह से डेल एक्स मूवमेंट आया, है ना, तो डेल एक्स मूवमेंट के वजह से क्या वर्क डन हुआ, क्या इसने वर्क डन किया उस वायर पे, वर्क डन क्या रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो फोर्स ने किया कि कुछ डिस्प्लेसमेंट किया तो उसके वजह से वर्क डन स्टोर्ड हुआ, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा उस वायर में, so that is called as energy stored in a wire is given by what, half of f into x, x क्या हुआ change in length, x is my x से अच्छा आप याद रख लो del x, del x याद रख लो इसको, ठीक। उसके बाद इसको ये अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 upon 2 into strain into volume of wire, ठीक, इसी को अपन कैसे लिखते हैं 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी, यू से मैं इंडिकेट करता हूं एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हो गया, बस खत्म। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, हमेशा याद रखना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम doesn't depend on dimension, ठीक है बेटा dimension पे depend नहीं करता, okay, वो खाली stress और strain जो generate होगी उस पर depend करता है, okay, ठीक है, energy per unit volume हो गया। अब बचा अपना एक ही topic बचा इस chapter का, कल अपन example देख लेंगे इसमें, that is called as what, कौन सा बचा है बताओ, पॉइजन्स रेशो, तो पॉइजन्स रेशो क्या कहलाता है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, मान लेते एल लेंथ है ना, इसको मैंने वेट लगा दिया डब्ल्यू, ठीक है बेटा डब्ल्यू वेट लगा, तो मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है ये लेंथ बढ़ गया लेकिन उसका वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या लेंथ जो है जब बढ़ेगी तो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होगी कि नहीं, जो बड़ी हुई लेंथ है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होगी लैटरली, है ना,
तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका पहले डायमीटर था कैपिटल डी, उसके बाद हो गया डी डैश, क्या हो गया डी डैश है ना, पहले लेंथ थी एल, बाद में हो गई एल डैश, ठीक है। तो एंग्स तो पॉइजन बोलता है सिग्मा, इट इज पॉइजन रेशियो इज गिवन बाय सिग्मा इज माइनस डेल डी बाय डी अपॉन डेल एल बाय एल, दैट इज माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन। इसको लैटरल बोलते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल, एंड डेल एल बाय एल इज लिनियर स्ट्रेन। सो पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लिनियर स्ट्रेन, और निगेटिव इसलिए लिखा मैंने क्योंकि जो मेरा डी डैश आता है ना वो डी से कम आता है, तो जब मैं निगेटिव रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बस, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो सिग्मा इज, तो मुझे बताओ इसका कुछ यूनिट है, कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है भाई, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, ठीक है। चलो चलो, तो फिर आज का चैप्टर हो गया खत्म, यहाँ पे इलास्टिसिटी हो गया खत्म, कल अपन देखने वाले हैं खाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।